अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उससे हम सब कहीं ना कहीं बराह रास्त हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं, एंड वी नो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, वट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया। एक आज़ादी राय के नाम पर एक तमाशा बरपा है जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम गैजेट्स अपने हाथ में पकड़ते हैं, अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स पकड़ाते हैं और कहते हैं चलो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाओ, अपनी प्रेजेंस शो करो, व्हाट इज़ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग सोशल मीडिया, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया। हमारे बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ भी बात कर दें, कुछ भी कह दें एंड दे कैन गेट अवे विद इट। और बात सिर्फ बच्चों की हद तक महदूद नहीं, ये कड़वाहट बड़ों में भी नज़र आ रही है। ये टॉक्सिसिटी जो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहती, ये आपकी हकीकी दुनिया में भी पेनिट्रेट कर रही है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने कि आप किस तरह का समाज हैं, तो आप लोग किस तरह का कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, किस तरह की कॉमेंटबाजी आप सोशल मीडिया पर करते हैं, दैट डिफाइंस यू एज ए नेशन। एंड राइट नाउ जिस सिचुएशन से हम गुजरे, जिस तरह की टॉक्सिसिटी हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है, इट्स वेरी अलार्मिंग। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया के मस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। मनफी पहलू में सबसे बड़ा असर हरासगी है और पाकिस्तान में इसका असर ज्यादा है। इस वजह से सख्त तरीन साइबर कानून नाफिज किए गए हैं। बाज़ वेबसाइट्स के जरिए तस्वीर और वीडियोज में रद्द बदल करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। FIA हुकाम के मुताबिक सालाना तकरीबन 50% तक साइबर क्राइम्स में इजाफा हो रहा है और पिछले 5 सालों में साइबर क्राइम्स की हजारों शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया पर बदनामी, हरासा करना, नफरत अंगेज तकरीर और डेटा की चोरी शामिल है। एक तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से इंसान में खुद परस्ती, नफसियाती मसाइल और समाज दुश्मन रवैयों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद 7 करोड़ 10 लाख है, जो कि कुल आबादी के 30.1% के करीब बनता है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और नौजवान शामिल हैं। क्या वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया से जुड़े मसाइल का संजीदगी से जायजा लेकर इन रवैयों के तदारुक के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, ताकि ये अवामी प्लेटफॉर्म सेहतमंद रवैयों को तकविया देने के लिए इस्तेमाल हों। रिपोर्ट आपने देखी, आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया की। बहुत ही स्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है सबा इस्लाम खटक ने, यू आर एन एजुकेशनिस्ट, एन एक्सेलेंट ट्रेनर एंड अ मदर। देन वी हैव तैयबा इफ्तखार विद अस, यू आर असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एट PTA। देन वी हैव डॉक्टर नुशाबा अंजुम विद अस, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव उसामा खिलजी विद अस, आप डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उसामा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। हम बात कर रहे हैं डूज़ एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया की, मगर हमने अक्सर ये देखा है कि सोशल मीडिया पर जो भी बदतमीज़ी, बदतहजीबी की जाती है उसको जस्टिफाई किया जाता है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुझे ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हदूद का तायुन कौन करता है? थैंक यू जी वेरी मच। देखें, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बेसिकली आपकी आज़ादी राय है कि आपके ये आज़ादी हो कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, लेकिन जाहिर बात है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। तो इसमें जो आप सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पे जो रूल्स और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, और इसके अलावा फिर जो है ये आपकी तरबियत होती है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर जो है रेगुलेट करती हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरह की गुफ्तगू होती है। अभी जाहिर बात है सोशल मीडिया पे गुफ्तगू एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, तो जो सोसाइटी में बातें होती हैं, जिन मौजू पे और जिस तरह से बात होती है वही हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर कोई बदतहजीबी फैला रहा है, खासकर कोई हरासमेंट हो रही है बच्चों के हवाले से, अगर कोई गलत चीज़ें या बातें हो रही हैं, तस्वीर अगर शाया हो रही हैं किसी की इजाज़त के बगैर, उन सबको आप रिपोर्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में। और इसके अलावा फिर साइबर क्राइम लॉ भी आपके पास मौजूद है, जिसमें आप FIA के पास उसमें कंप्लेंट ले जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप Section 21 देखें PICA का कानून जो है, उसमें वो रिलेटेड है अगर किसी की तस्वीर को मॉर्फ किया जाता है, गलत इजाज़त के बगैर उसको शाया किया जाता है, इस तरह के आपके पास फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा आप Section 22 जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, अगर बच्चों को गलत तौर पे तस्वीरें या वीडियो शाया की जाए। और Section 24 जो है वो साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको ऑनलाइन हरासमेंट उसके जिम्मे में आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार कोई तंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो इसके
व्हाट्सएप, टेलीफोन या सोशल मीडिया पे, तो उसके तहत भी उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि लोग जितना भी ज़्यादा रिपोर्ट करें इन डिफरेंट जगहों पे उतना ही बेहतर है, ताकि फिर एक अकाउंटेबिलिटी हो लोगों की जो भी इश्यूज होते हैं सोशल मीडिया। आपने बहुत अच्छी बात की, लॉज मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कॉन्टेंट शाया ही क्यों किया जा रहा है, वो मीन कमेंट्स किए ही क्यों जा रहे हैं। प्रॉब्लम शायद तरबियत की कमी का है। सबा, किस चीज़ की कमी, तरबियत की कमी है या तालीम की? और अगर तालीम की कमी है तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हमें एक टॉक्सिक तमाशा करते हुए नज़र आते हैं। देखिए मुनीबा, मसला आपने जैसे खुद ही बता दिया कि हम समझते हैं कि अब चाहे हम एक बहसियत पेरेंट्स देखें या चाहे एजुकेटर्स के, हम समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, चाहे वो अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, समवेयर इन द मिडल जहाँ पे भी आते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। बच्चों को जितनी 7 से 6 घंटे वो स्कूल में गुजार दिए, उससे कहीं ज़्यादा टाइम वो अपने घर में गुजार रहे हैं। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूलों की नहीं, घर में वालदेन की, और जो लोग उसके साथ घर में गुजार रहे हैं, उसके नाना दादी हैं, बाकी उसके चचा मामू, जो भी उनके साथ घर वाले हैं बाकी, उन सब के साथ, और पूरा एक माशा, कहते हैं टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट? तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल की मैं कहती हूँ कि बहुत कम उसमें परसेंटेज आती है। सो तरबिया का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए दीन में भी देखें तो कि तरबिया पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था पुराने वक्तों में भी, और ये चीज़ अब अनफॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा नहीं है। हम समझते हैं कि एक महंगे स्कूल में भेज दें, जितनी ज़्यादा फीस होगी तालीम उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क दैट वे, और हम देख रहे हैं ये चीज़ कि अच्छे स्कूलों में, महंगे स्कूलों में जाने के बावजूद हम फिर भी रो रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, क्यों, क्या मसला है, और अच्छे इंसान नहीं बन रहे। हम देख रहे हैं कि टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हैं, बुलीज बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज़ समथिंग के बहुत रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में। तो क्या चीज़, व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक वही है कि हमने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना छोड़ दिया, हमने उनके साथ जो बहुत ज़्यादा बातें होती थी पुराने वक्तों में, बड़े उनके साथ बैठते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, अपने तजुर्बात शेयर करते थे, वो सब मिसिंग हो गया। तो वो वक्त जो बच्चे को अपने घर में बड़ों से मिलता था, वो तवज्जो सारी इंटरनेट पे चली गई। अब इंटरनेट गुड और बैड बोथ, तरबियत सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया कर रहा है। अब बच्चे की और आपकी किस्मत है कि कोई अच्छी चीज़ उनको मिल गई या बुरी, या ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली बुरी मिलती है। सो दिस हैज़ टू चेंज, कि हम जो अपने बच्चे को गिला करते हैं ना कि वो सारा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो स्क्रीन से हटे उसी वक्त कि जब मैं अपने आप को अवेलेबल करूँगी, व्हेन आई एम अ प्रेजेंट पेरेंट, यू नो, कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मेरा फोन कहीं और है, राइट? कि पूरी तवज्जो मेरी अपने बच्चे की तरफ है, वो देखा कि मेरी माँ मेरे साथ बैठी है, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, और उसकी पूरी तवज्जो, और यू नो, वो मेरी तरफ देख रही है, मेरी उसको बात को ध्यान से सुन रही है, और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। सो दैट रियली चेंजेस एवरीथिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम कहते तो हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कभी ज़रा अपना भी स्क्रीन टाइम देखिए। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि ये हकीकत है कि हम अपने फ़ोन पर देखते हुए जब बच्चे से बात करते हैं, तो आपने अपने बच्चे को ये बता दिया वो इम्पॉर्टेंट नहीं, आपका फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात, अनफॉर्चुनेटली हमने कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम नहीं किया इस जनरेशन की, एंड वी ऑल आर अशेम्ड ऑफ दैट। अब हालात ये हैं कि जिसका जो दिल में आता है वो कॉन्टेंट बनाता है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लॉज के अगेंस्ट है, उसके साथ है, वी जस्ट गेट इट अपलोडेड, ताकि हमें कुछ क्लिक बेट के जरिए कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ अटेंशन मिल जाए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीटीए व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिजिटल वर्ल्ड अ सेफ स्पेस फॉर द यूजर्स? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपैंड करना चाहूँगी। उसामा ने ऑलरेडी कवानीन की हैसियत से बात की है, मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इंटरनेट से मुतल्लिका कवानीन में से एक कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जिनका इन्होंने ऑलरेडी मैंशन किया था। अब ये कानून जो है इलेक्ट्रॉनिक जराइम पर मबनी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। इसी के ही सेक्शन 37 के तहत पीटीए को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल है। अब इसमें सर्टन कैटेगरीज ऑफ कंटेंट है जिसको ब्लॉक किया जा सकता है फ्रॉम पीटीए साइड। अब इसमें गुस्ताखाना मवाद है जो कि ब्लास्फीमस कंटेंट है, देन यू हैव पाकिस्तान की सालमियत या दिफा के खिलाफ एंटी स्टेट कॉन्टेंट, इनडिसेंट एंड इमोरल कॉन्टेंट, एंड देन यू हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर पीटीए ब्लॉक कर सकता है।
PTA as a progressive regulator has been doing a lot awareness campaigns bahut kar raha hai फेक न्यूज़ से मुतल्लिक कवानीन की अवेयरनेस से रिलेटेड इसके ऊपर बहुत मास अवेयरनेस की जा रही है और इसी से ही रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव भी है सोशल मीडिया ऑनलाइन सेफ्टी गाइड से मुतल्लिक जिसको मैं दिखाना चाहूँगी राइट नाउ स्क्रीन पर. सो बेसिकली ये हमने इंग्लिश और उर्दू में ये गाइड बनाई है और इस गाइड का मकसद बेसिकली डिजिटली एम्पावर करना है बच्चों को और नौजवानों को टू मेक द बेस्ट डिसीजन दे दे कैन इन द ऑनलाइन स्पेस. सो हम बेसिकली दे दिया करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर बट यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चे भी एम्पावर अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में ले सकते हैं बाय नोइंग व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑनलाइन. तो ये हमारी एक एफर्ट है और हमारी कोशिश है कि इसको हम बरकरार रखेंगे और बेहतर बनाएंगे. तैयबा बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये जानना चाहेंगे ये बुकलेट्स ये गाइड बुक्स कहाँ अवेलेबल हैं और हम बच्चों तक कैसे पहुँचा. जी ये PTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं www.pta.gov.pk. ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में दस्तयाब हैं और आराम से डाउनलोड भी की जा सकती हैं. That's amazing. I think बहुत जरूरी होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये किताबें लाइब्रेरीज में रखी जाएं और बाकायदा टीचर्स ये इंटरेक्शन करें बच्चों के साथ कि बच्चों अगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तो किस तरह के इंसान हो तुम सोशल मीडिया पर. मुशाबा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस तो सभी की है ऐसा कोई नहीं जो सोशल मीडिया पर मौजूद ना हो मगर डिस्पैरिटी नज़र आती है. एक शख्स जो बज़ाहिर आपको बहुत काम बहुत कूल बहुत सोच में लिबरल नज़र आता होगा जब आप सोशल मीडिया पे उसके ट्वीट्स या उसके कमेंट्स पढ़ते हैं तो यू गेट शॉक्ड. तो ये जो डबल ट्रेट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के ये एक डिसऑर्डर नहीं है जो सोशल मीडिया पे हर वक्त ऑनलाइन रहने से आपके अंदर डेवलप होते हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया आपके मधु करने का. बिल्कुल ठीक है आपने वो हम साइकोलॉजिकल टर्म में इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं. आपके कॉल और फेल में तजाद इंतहाई तजाद हम वालिदैन और ये जो तजाद है ये मुनाफकत आप कह सकते हैं इसको. अब ये जो बात तो हम बार बार स्कूल्स की तरफ भी जाते हैं और हम बार बार सोसाइटी का मॉडलिंग के ऊपर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बिल्कुल अभी आपकी जो आप हदूद की भी बात कर रहे थे वह हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए तो हमें कोई शक नहीं है लेकिन अभी आपकी जो सरहद है आपने बच्चे को बंद भी कर दिया घर में तो वो एक क्लिक के ऊपर वो कुछ देख सकता है मवाद. मेरा जो हमेशा से कंसर्न रहा मैं क्योंकि बच्चे की माँ का जो किरदार और वो जो हम हमेशा कहते हैं कि आधा तरबियत माँ के पेट में हो जाती है. अब वो आपकी जो माएँ हैं जिनके अपने हाथ में मोबाइल है या अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स है और वो जब बच्चे आप सोसाइटी में दे रहे हैं एज अ रोल मॉडल और 13 साल तक मुनीबा ब्रेन डेवलप कर रहा है 13 साल तक के बाद आप बच्चे के अंदर आप उस वक्त सोलो फ्लाइट के लिए बर्ड आई व्यू परिंदा भी देता है. क्या हमने अपने बच्चों की वो तरबियत वो सोलो फ्लाइट के लिए की. स्कूल तो वो बाद में जाता है जो घर के अंदर आपका बच्चे के साथ टाइम था हमने बच्चों के लिए वो खाने का पहले जैसे हमारा फैमिली सिस्टम टूटा उसके बाद जो पेरेंट्स इतने क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल लाइफ सोसाइटी होगी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस के लिए बच्चों को जैसे अभी इन्होंने कहा कि बड़े बड़े स्कूल्स में तो हमने डाल दिया तरबियत का फुकदान हो गया. तरबियत मुझे मैं फिर बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि आप इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है. आपने ये किताब दे दी किताब लेगा कौन. किताब आपने दी है मैं समझती हूँ कि पर्सुएशन के लिए हमारा जो मीडिया है अगर हम इसको वीडियो फॉर्म में बच्चों को दिखाएं स्कूल्स में दिखाएं एक एडवर्टीजमेंट हमारा टेलीविजन इसको दिखाए तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा क्योंकि बच्चे देखने के अंदर एक उस फॉर्म में ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को. लेकिन अब हमारे वक्तों में टेलीविजन के अंदर अगर लगा भी था तो हमें पता था कि अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमारी एज की हद है हमें हर चीज़ एक बच्चे को 10 साल के 9 साल के अगर आपको याद होगा मेरा पहला शो जब मेरी प्रेजेंस थी वो जब जैनब का इंसिडेंट हुआ था और हमें ये उस वक्त से जैनब बिल बना हमें तब से पता था कि हमारे कैसे सोसाइटी को फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर को हम नहीं भूल सकते कि हमें किसी को क्या ज़रूरत है भाई कि इतने बड़े तरद्दुद करें. आप एक ऐसा मवाद जो कि मोमार है सोसाइटी के बिल्डर्स हैं पिलर्स हैं हमारे बच्चे और पाकिस्तान में मेजॉरिटी 52 से 53% हमारी यूथ की है. हम उनको क्या दे रहे हैं क्या वो अच्छा अब एथिक्स कैसे आएंगे इतने वोकल हो गए उनको एक्सेप्टेंस नहीं. मुनीबा सबसे जो बड़ा मसला है हमारा इम्बैलेंस
इम्बैलेंस है, रेगुलेशंस बिल्कुल बने हुए हैं। जब बच्चों में इम्बैलेंस नजर आएगा उनको सोसाइटी में, और वो इतने वोकल हो जाते हैं उसके अंदर, उसके चेक एंड बैलेंस मेरे ख्याल में पीटीए को भी या आपको एक तहजीब देनी है या कोई चेक इन, हमें ये चीज हम नहीं बता सकते। उसामा, क्या इतनी सख्त सजाएं दी जाती हैं एक ऐसे शख्स को जिसने ट्रोलिंग की हो, जिसने बदतमीजी की हो टू अ पॉइंट कि कोई अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए? और दुनिया भर में ये होता है। क्या हमारे कवानीन ऐसी सजाएं देते हैं कि थोड़ी बहुत इबरत तो हो, कुछ डर भी हो? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप की जो लाइन है वो क्रॉस ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एक जमहूरी मुल्क में हम लोगों की जो इजहार राय की आजादी है उस पर कदगने लगाए। हाँ बिल्कुल, अगर उनकी स्पीच से जो है किसी और को नुकसान पहुंच रहा है, वायलेंस के थ्रेट्स हो रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, बच्चों को जो है अफेक्ट किया जा रहा है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन लोगों की सियासी ओपिनियन या सोशल इश्यूज पे ओपिनियन, उनको नहीं खामोश करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस प्रायोरिटी का बैलेंस जो है वो पीटीए, एफआईए और दीगर हुकूमती इदारों को जो है स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें तो इसमें काफी सेंसरशिप की रिक्वेस्ट हमें नजर आती हैं जो हुकूमत की तरफ से जा रही होती हैं। तो जो सेक्शन 37 की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सेंसरशिप की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो सिटीजन प्रोटेक्शन की तरफ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सिटीजन प्रोटेक्शन हैज टू बी एट द सेंटर of policies of government institutions. Quickly, Usama, ये बताएगा कि digital literacy awareness कितनी important है? I'm not just talking about the young boys and girls. हम बड़ों को भी digital literacy awareness नहीं है. Again, आदाब क्या है social media के, उसके इस्तेमाल के, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कब खामोश हो जाना है, ये आदाब क्या digital literacy से ही आते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से डिजिटल लिटरेसी में ये है कि आप अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर होती है। तो जो झूठी बातें, झूठी खबरें जो हमें नज़र आती हैं जिस पे लोग जो है यकीन रख लेते हैं, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, सियासी तौर पे भी हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा सियासी जमातों के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में झूठ शाया किया जाता है और लोग उस पे यकीन कर लेते हैं। मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पे भी हमें जो है झूठ बहुत नज़र आता है, प्रोपेगेंडा नज़र आता है और उस पे लोग यकीन कर लेते हैं। तो हमें ये स्किल्स भी इक्विप करनी है कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्या मवाद जो है वो सच्चा है और क्या झूठा है। और मेरे ख्याल से इसकी लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया के इस्तेमाल में। और फिर बच्चों के लिए भी कि किस तरह आप अपनी प्राइवेसी आपने प्रोटेक्ट करनी है ताकि आपको कोई एक्सप्लॉइट ऑनलाइन ना कर सके। और बड़ों के लिए भी जिस तरह आपने कहा कि किस तरह से आप अपनी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करें और अपने पासवर्ड्स किस तरह प्रोटेक्ट करने, हमारे अकाउंट हैक ना हो, हम स्कैम का जो है कोई विक्टिम ना बन जाए, फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये तो स्कूल में निसाब में ही होना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ही इस सतह से ये समझें, पढ़ें, इन्हें समझाया जाए ताकि जब वो दुनिया में जाएं या अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे जाएं तो उन्हें मालूम हो कि किस तरह से उन्होंने महफूज तौर पे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उसामा। सवा, ये बदतमीजी का अंसर कहाँ से आ गया हमारे अंदर कि हम शायद इन पर्सन तो एक दूसरे का लिहाज रखें लेकिन ट्विटर के ऊपर हम शुतर बेमहाज की तरह जो दिल में आए बोल दें विदाउट रियलाइजिंग कि सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो है। ठीक है, मेरे पॉलिटिकल व्यूज आपसे नहीं मिलते मगर ये हरगिज मुझे इजाज़त नहीं देता ये सच कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूं। देखिए, जब तक ये हम अपने अंदर एक सच, कड़वा सच या कड़वी गोली निगल नहीं लेंगे ना कि बीइंग डिफरेंट इज नॉट बीइंग रॉन्ग, वाओ राइट, वाओ के, और कोई चीज ना चैलेंज हो जाती है आपकी या मेरी, ये अगर कोई आपकी बात से या मेरी बात से कोई डिसएग्री कर देता है या मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर लूँ तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा या ज़मीन नहीं फट पड़ेगी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और कल ही मेरी अपनी बड़ी बेटी से बात हो रही थी और हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द चॉइसेस ऑन यू नो व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया और कोई डिसएग्री करता है आपकी बात से या ट्रोलिंग होती है या हाउ डू यू डील विद दैट नेगेटिव comment if somebody writes it and you don't even know who the person is because wo to sab kuch ek you know wo to keyboard ke piche hai na, you don't know even the identity of that person. So wo yehi mujhe keh rahi thi, kehti you just sometimes you just
टेक इट विद अ स्ट्राइड और यू जस्ट आप उसको देखते हैं कि समटाइम्स यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू रोट, आपने क्या बनाया था, और समटाइम्स यू ट्राई टू कन्विंस देम. तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि या आप किसी को कन्विंस करते हैं या आप कन्विंस हो जाते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों काम ही नहीं होते राइट. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वो मरने मारने वाली बात, जैसे आप भी बात अभी पहले कर रही थी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा, और हम पिछले एक साल से तो बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई. तो इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता. अच्छा लगता है, बल्कि महज़ब माशरों में तो इख्तलाफ़ राय को बहुत अहमियत दी जाती है, कि अच्छी बात है कि आपकी बात मेरी बात से मुख्तलिफ होती है, आपको एक नई एक मिलता है, सोच मिलती है कि आप इस एंगल से तो आपने सोचा ही नहीं था. आपने मुझे एक नई तरीके से सोचने का मौका दिया, थैंक यू. राइट, सो उसको चैलेंज करना, उस नई सोच को या एक चीज को एक नए नजरिए से देखना, तो एक अच्छी बात है. आपके आपकी सोच को बढ़ोतरी मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप चीज़ों को नए तरीके से देखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं. तो उसको अपने बच्चों को भी हमें मेरा ख्याल है सिखाना चाहिए कि ये एक अच्छा अमल है, एक अच्छे माशरे का हिस्सा है, और इसमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, इससे कभी भी छुपना नहीं चाहिए, और इसमें कभी भी माइंड नहीं करना चाहिए, या आप लड़ने भड़ने की इसमें कोई बात नहीं होती कि आप इसमें दोस्तियां ख़त्म कर दें और रिश्तेदारों से लड़ बैठें. ये जो बात आपने सबक की ना, दोस्तियां ख़त्म कर दें, कितने अफसोस की बात है, कि क्योंकि अब इतने पोलराइज हो चुके हैं कि बच्चे तो क्या, बड़ों ने भी अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से दोस्तियां खत्म कर दी हैं. तुम्हारी अगर ये सोचो तो मैं तुमसे बात नहीं करती. अरे भाई, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड को एग्जिस्टेंस, कि मैं और आप किसी बात पर डिफर कर सकते हैं, मगर मैं हरगिज, मुझे यह हक हासिल नहीं कि मैं बदतहजीबी करूँ, बद कलामी करूँ, बद जबानी करूँ. व्हाट अ शेम कि जब भी बात की जाती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, तो उसका इजहार गाली से शुरू होता है. तो ये बात, तस्दीक करना कितना ज़रूरी है. कोई भी कंटेंट आपके पास, आपको भेजा गया है, कोई तस्वीर आपके साथ शेयर की गई है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ख़ानदान के ख़ानदान जोक दर जोक चीज़ें भेजते हैं, और विदाउट ऑथेंटिसिटी, बग़ैर उसकी तस्दीक किए लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. हमारी जिम्मेदारी क्या है बहैसियत समाज, व्हाट शुड वी डू? जी, वंडरफुल क्वेश्चन. आई थिंक इट्स वेरी पर्टिनेंट एज वेल विद टुडेज एनवायरनमेंट. आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं विदाउट इवन वेरिफिकेशन. अगर मैं कोरोना की एग्जांपल दूं, तो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तो वी वर रिसीविंग सो मेनी व्हाट्सएप मैसेजेस, फैमिली से भी रिसीव हो रहे थे, एंड देन स्ट्रेंजर्स के, टोटकों के, क्योर्स के, जिसमें अजीब किस्म के पौधे शौधों के नाम लिखे हुए थे कि वो आप खा लेंगे तो यू विल बी क्योर्ड ऑफ द वायरस. बट ऑब्वियसली इससे ये एक डेंजरस एलिमेंट भी था, बिकॉज इससे किसी की जान भी जा सकती है इस पे अमल करते हुए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, इवन इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी, आपके लव्ड वन है, ट्रस्ट वर्दी सोर्स से आ रहे हैं, आप खुद वेरीफाई करो वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. यानी आप अगर वो आर्टिकल आपको रिसीव हुआ है, तो आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च ऑन दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन दो तीन जगहों से इंफॉर्मेशन पढ़ो कि लाइक वाकई में जो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है, वेदर और नॉट इट इज़ अथेंटिक. ये एक पहला एस्पेक्ट है. मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करने से पहले ज़रूर ये करें कि ये क्या स्पैम तो नहीं है, क्या ये इनकरेक्ट तो नहीं है. सवाब की नीयत से भी लोग भेज रहे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्शन. इस पर थोड़ा सा बंदे को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, और ये यूज़र पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है रादर देन अदर ग्रुप्स या अथॉरिटीज़. तैयबा, अगर हमें कोई ऐसा कंटेंट नज़र आता है जिसमें किसी की तजलील है, कोई झूठ पे मबनी है, किसी को मलाइन किया जा रहा है, कोई कमेंट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि यू नो आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, व्हाट्स द वे, व्हाट्स द प्रॉपर वे टू रिपोर्ट इट थ्रू पीटीए? जी, सो इसमें दो एस्पेक्ट्स में मेंशन करना चाहूँगी. कभी कभार सोशल मीडिया यूज़र्स कोई ऐसी चीज़ देखते हैं ऑनलाइन, और वो चाहते हैं कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो रिपोर्ट करने के बजाय वो आगे शेयर कर देते हैं, एंड दैट कम्स फ्रॉम द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट. वो एक रेजिंग द अलार्म वाली सिचुएशन होती है कि देखो ये इस किस्म का नामुनासिब मवाद जो है वो ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहा है, तो और लोग भी. बट लेकिन उससे क्या होता है कि दूसरे लोग जब देखते हैं तो वो भी आगे, यस एग्जैक्टली, यू आर बेसिकली हेल्पिंग इट बिकम वायरल. तो आपको चाहिए, सार्फिन को चाहिए कि वो बजाय कि वो उसको शेयर करें आगे, वो उसको रिपोर्ट करें टू द कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अब दूसरी बात आ जाती है पीटीए का रोल.
सेक्शन 37 के तहत जो कैटेगरीज मैंने पहले मेंशन की थी उसके तहत जो ऑनलाइन मवाद आता है वो पीटीए को भी रिपोर्ट किया जा सकता है थ्रू तीन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो एक तो है कहीं भी आप बैठे हुए हैं किसी भी जगह से आप ईमेल कर सकते हैं complaint-content-complaint@pta.gov.pk पर. दूसरा है हमारा पीटीए की वेबसाइट पर मौजूद एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इट्स एन ऑटोमेटेड पोर्टल. इस पर आप अपनी तफसीलात दर्ज करेंगे, लिंक दर्ज करेंगे और उसको हम टेकअप करेंगे विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉकिंग पर्पसेस. तीसरी जो चीज़ है वो हमारा पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप भी है. ऐप डाउनलोड करके आप इसको लिंक प्रोसेस कर सकते हैं. और अगर ये तीनों आपके पास कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है तो यू कैन सेंड इट टू अस इन राइटिंग. लिख कर भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम इसको टेकअप करेंगे. राइट. और यानी कि फिर ये श्योरिटी आपको दी जाती है कि वो कॉन्टेंट रिमूव कर दिया जी. कोशिश हम पूरी करते हैं कि सोशल मीडिया कॉन्टेंट जो भी रेलिवेंट है उसको हम ब्लॉकिंग के लिए प्रोसेस करें. दैट्स अमेजिंग. शाबा, बहुत आसान है ये कहना कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, ट्रोलिंग हो रही है, इट्स ओके, इग्नोर करो, जवाब मत दो. क्या वाकई इग्नोर करना आसान होता है? क्योंकि इन माय पर्सनल कैपेसिटी आई हैव रियलाइज्ड के 20,000 अच्छे कमेंट्स होंगे लेकिन कहीं वो दो कमेंट्स नेगेटिव ऐसे होते हैं जो दे पॉप आउट, दे लिटरली पॉप आउट और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. आप जिस वक्त सोचते हैं ना कि आपने मशहूर हो जाना है और ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता. हमारे डिफरेंट ऐप्स हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके फ़वाद भी बहुत हैं. आप एजुकेशन के अंदर बड़े पोर्टल हैं, मैं खुद एसोसिएटेड हूँ एक यूनिवर्सिटी के साथ वॉर्न, हम बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और वो बाहर बैठकर आप पाकिस्तान में पढ़ें और इंटरनेशनल डिग्री ले रहे हैं. और वो पोर्टल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितना वीडियो गेम्स को प्रमोट किया गया, जिसमें मैंने आपने खुद देखे बड़े हादसात हुए, पेरेंट्स को कितना उस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा, हमने बड़े शोज उसके ऊपर किए. बाकी जो ऐप हैं छोटी जिसमें वीडियोज बन रही हैं उसमें भी, टिकटॉक जैसे ऐप्स हैं उसमें भी बात हुई. मुझे एक चीज़ का जो आपकी, आप कह रहे हैं कि क्या साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इम्पैक्ट है, बिल्कुल होता है. वो ऐसा है कि जिस वक्त आप एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं सोसाइटी से कि आपको वो चीज़, हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, टेबल मैनर सिखाएंगे, अल्लाह रसूल का बताएंगे, बड़ों छोटे की तमीज़ सिखाएंगे, जीतना सिखाएंगे, फर्स्ट आना सिखाएंगे, कामयाब होना सिखाएंगे, हारना नहीं सिखाते. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं है. तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी फॉर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है. इमोशनल इंटेलिजेंस हमने किधर अपने बच्चों को इमोशनली, हम तो खुद ही इमोशनली वो नहीं थे, हमें तो कहा चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, और हम वो बच्चे थे जो खामोश हो जाते थे. हमें ये चीज समझना है कि अब आप, हम वो माएं नहीं जिन्होंने बच्चों को गूगल वाली इंफॉर्मेशन दी होगी. इनके पास वो भी इंफॉर्मेशन है जो इनके पास नहीं होनी चाहिए थी. हम अपने बड़ों की बात को एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही बड़े थे, या स्कूल था, या एक हमारा ये चैनल था. अब बच्चों के पास दे आर वेरी वेल अवेयर. और मैं ये समझती हूँ मनीवा कि हमारे बच्चे हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है. जिस रब ने, हम अगर एक इंसान एक क्रिएशन बनाते हैं, आप कोई ऐप बनाते हैं, कोई मोबाइल बनाते हैं और आप उससे बेहतर बनाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो रब है उसने जो मखलूक भेजी है वो हमसे बेहतर ना हो. वो और अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें. जो चीज़ हमने नहीं दी बच्चों को, वो जो इम्बैलेंस को, वो कैसे उनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं, अब उसके लिए हम डंडे के जोर से हर चीज़ नहीं इनको सिखा सकते. उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे इन्होंने बताए, थोड़ा सा उनकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी और आसान कर दे. उसकी इंफॉर्मेशन और एडवर्टीजमेंट हमें नजर नहीं आती, ज्यादा कर दे अवेयरनेस कर दे, आप कर दे अवेयरनेस उसके लिए काम है. और सिर्फ इधर ना करें, आप ये भी समझें कि हमारे देहातों के अंदर इवन जो सड़क पर हमारा एक भीख मांगने वाला है उसके पास भी 2-3 फोन, हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद है. तो अब हमें अवेयरनेस अपने उस लेवल पर करनी है. वो इतने रूल्स को नहीं जानते, उनको आसान अल्फाज में बता दें, आसान अल्फाज में बताएं कि वो उस चीज को कैसे वो जो ये बढ़ गया ना, बढ़ाने वाले बनाने वाले ये हम लोग थे. हमारी जबकि वो जो मोहल्ला में एक वीज मालों का वो था कि हमें खिड़कियों में झांकने का बहुत शौक था. उस वक्त पेरेंट्स ने बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, घर में लॉक कर दिया, वो कनेक्शन खत्म हो गया. सोशल मीडिया ने सिर्फ आप दुनिया में नहीं, आपके हमसाया मुल्क के अंदर भी आज जो बात आप करते हैं वो उसके ऊपर भी, वो भी वायरल हो जाती है. और लोगों को वायरल होने के इतनी शौक है कि वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये जो थी कि वो जो एक दौड़ में हम शामिल हो गए,
खुदा रहा उसके अंदर ना जाएं। और जो आप कह रहे हैं, अगर आप मुझे मिल रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ में और अगर मैं वो बात अपने आपको मेरे सोशल मीडिया तो रिश्ते लेने भी जाते हो तो पहले आपका अकाउंट पूछते हैं बच्चियों के, आप देखें कि भाई जो कह भी रही है तो है भी वो कि वो नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपने शुरू में कहा। तो मैं ये समझती हूँ बच्चों को हारना भी सिखाएं आपकी राय में, हाँ शख्सियत से इख्तलाफ ना करें, राय से एकदम कहते हैं डू नॉट रेज योर वॉइस, रेज योर वर्ड्स। और वर्ड्स किधर होंगे जब दलाइल की कमी हो जाएगी। दलाइल जब कमी होती है तो आवाजें, मौलाना रूम की बड़ी प्यारी सेइंग है कि जिस वक्त आवाजें तब बुलंद होती हैं जब दलाइल की कमी हो जाती है। और दलाइल को सुने, उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमें हमें अब बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों कम आ गए, रीडिंग का हमारे स्कूल्स में आप अगर माजरत के साथ कहूँगी वो जो एक क्लास में खड़े होकर एक बच्चे को देते थे कि आप रीडिंग करें, बात करें, तलफ़ुज़ क्या, बच्चे साइबर वर्ल्ड के अंदर हीरो हैं, उनको ये समझ आए कि हमने जो एग्रेशन ले रहे हैं, जो वायलेंस हम ले रहे हैं, देखें ये न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह है, एग्रेशन और वायलेंस निकालना है उन्होंने। अब टीपू सुल्तान खालिद बिन वलीद तो आपने पैदा नहीं किए, उन्होंने तो वो उस एज ऑफ एम्पायर में जो वीडियो गेम में तो वो हीरो हैं, बाहर तो वो बिल्ली भी नहीं चूहा भी नहीं मार सकते। आपने निशा पे एक बड़ा अच्छी बात रेज की, वो ये कि साइबर वर्ल्ड इज अ साइलेंट वर्ल्ड जिसके अंदर खामोशी से बच्चे लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। एक एस्पेक्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां दुनिया में कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमारे यहाँ एक ब्रीड कल्टीवेट की जा रही है इन्फ्लुएंसर्स की। अब अगर इफ़ यू डिग डीपर आप सब देखेंगे कि एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये चाहता है कि मुझे लोग देखें और मेरी प्रेजेंस को लोग एक्सेप्ट करें, क्या इसके पीछे भी कहानी वही है कि जब घर में बच्चे को एक्सेप्टेंस, वो वार्म्थ, वो वेलकमिंग नेचर नहीं मिलती तो वो जाता है ऑल आउट और वो कहता है दिस इज मी, हियर आई एम, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी, बट एट लीस्ट आई एम इन योर फेस। जब टाइम अगेन के एक सबसे ज़्यादा कीमती तरीन असासा, सबसे अच्छा तोहफा आप किसी को अगर दे सकते हैं वो है आपका वक्त, आपका वक्त, राइट। सो और बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपकी चाहिए, आपका तवज्जो, आपका वक्त। और वही जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहले 13 साल के सोलो फ्लाइट से पहले कि उसके बाद वो ऑटो पायलट पर चलता है, राइट। कि पहले 13 साल अगर आपने उस बच्चे के भरपूर तरीके से गुजरवा दिए माँ बाप ने, उसके असातज़ा ने, उसके करीबी जो उसके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, दोस्त मोहल्ले यार के सबके, तो उसके बाद उस बच्चे की शख्सियत में कोई इतनी गैप्स रह ही नहीं जाते कि उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन इतनी ज़्यादा चाहिए हो कि जो आप बात कर रही है ना कि इन्फ्लुएंसेस, और इट्स नॉट दैट बैड ईदर। ठीक है किसी का शौक है और कोई अगर समझता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है तो दैट्स फाइन, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट जब वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि जब वो इतनी ज्यादा हद से बढ़ जाए विदाउट बाउंड्रीज, यस, कि आपको हर चीज में वैलिडेशन चाहिए और अगर नहीं चाहिए तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, फिर वो डेफिनेटली देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू देन। वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इज बेसिकली एक खिड़की है, आपका घर है, एक वक्त था जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बीच बालो होती थी, आती थी, झांकती थी, आप खिड़की बंद करते थे, दरवाजा बंद करते थे। सोशल मीडिया की कहानी भी वही है, जब आप व्हेन यू आर शविंग कैमरा इन योर फेस और आप उठकर लोगों को ये बता रहे गुड मॉर्निंग, दिस इज माई होम और ये है मेरा, ये है मेरी लुक जब मैं उठ के बैठती हूँ, आप लोगों को अपने घर के अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। आप जितनी खिड़की और दरवाजे खोलेंगे उसमें कचरा भी आएगा, उसमें ताने भी आएंगे, उसमें आवाज़ें भी किसी जाएंगी, एंड देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट रिड ऑफ दैट, क्योंकि वो दरवाजे आपने खुद खोल दिए। लिहाजा डूज एंड डोंट्स की जब बात की जाती है तो मैं हमेशा कहती हूँ अंडर शेयरिंग इज बेटर देन ओवर शेयरिंग, ओवर शेयर मत कीजिए। कहते हैं ना पौधे को अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो वो मर जाता है, कम पानी दे दें पौधा नहीं मरेगा। तो ये बहुत आसान है लोगों के लिए उंगली उठा देना, FIA काम नहीं कर रही, PTA काम नहीं कर रही, हम में से कोई ये बात क्यों नहीं करता कि वो कंटेंट गया ही क्यों सोशल मीडिया पर जो कि नहीं जाना चाहिए था। आपके नज़दीक समाज के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जिसको ये लगता है कि हमारा काम तो गंदगी फैलाना है या FIA जाने और PTA जाने जिसने इसको ठीक करना है? आई थिंक कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करना बड़ा ज़रूरी होता है। आई थिंक कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन पर्सन जॉब जो ये कर रहे होते हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि कानून का इल्म लोगों को नहीं है। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर कि इसमें हम यही जो हमने गाइड निकाली है, इसमें हम यही एक एफर्ट हमने शो की है कि एक प्रॉपर सेक्शन बनाया जाए कि गैर कानूनी मवाद क्या है पाकिस्तान के लोकल लॉज के मुताबिक, और इंटरनेट से मुतल्लिका कानून उसके बारे में क्या कहते हैं जी।
तो ये एक हमारी एक एफर्ट थी. दूसरा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है सोशल मीडिया टेक कंपनीज के ऊपर भी कि वो अपने जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनको इन्फोर्स करें. और दूसरा जो एस्पेक्ट मैं ऐड इन भी करना चाह रही हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया कंपनीज नीड टू रियलाइज लोकल सेंसिटिविटीज, मकामी कानून और जो कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं वो ये इस पे इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि जो टेक कंपनीज है वो ऑपरेट कर रही होती हैं ग्लोबल नॉर्थ में, वो किसी डिफरेंट रीजन में कर रही होती हैं और वहाँ एक पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो लीगल होगा या उसको सूटेबल समझा जाएगा, बट उसकी कॉनोटेशन जो होंगी वो डिफरेंट होंगी एक डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में. और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखते भी हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरह से वो जाहिर हो रहा होता है. जब टेक कंपनीज उसके ऊपर नहीं क्रैक डाउन करती, नहीं उसको बंद करती, तो फिर वो इट जस्ट अरप्ट्स एंड देन इट वो फिर दूसरा जो यूज़र होता है जो वो काम कर रहा होता है उसको बेसिकली एक पुश मिलता है कि अच्छा ओके सोशल मीडिया कंपनीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट तो आई शुड कंटिन्यू एंड देन अदर पीपल आर आल्सो मोटिवेटेड बाय इट. रेगुलेटर और बाकी इदारे जो हैं वो मुसलसल काम कर रहे हैं अवेयरनेस पोर्शन के ऊपर भी, ब्लॉकिंग के ऊपर भी और इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट से भी. बट बात वही आ जाती है कि कितनों को किस तरीके से रोका जाए. जब कंटिन्यू स्ट्रीम चलती जाएगी सोशल मीडिया टेक कंपनीज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी तो दिस विल कंटिन्यू ऑनवर्ड. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है ये है कि हम सब ये बात जानते हैं कि बच्चे जिसकी उम्र 18 साल से कम है जी सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस होना इज अ क्रिमिनल एक्ट. और कौन बनाता है उन बच्चों के अकाउंट्स? वालदैन बनाते हैं. जब आप एज लिखते हैं अपने 10, 11, 12 साल के बच्चे की तो आप झूठ लिखते हैं. तो जिस चीज़ की बुनियादी आपने झूठ पे रखी है उससे आपको फायदा कभी नहीं हो सकता. सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन. FIA PTA करती रहेगी अपना काम, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी ज़ात से कोई ऐसा कॉन्टेंट ना जाए जिससे दिलाजारी हो, कहीं आपका बच्चा ऐसे काम में मुलविस ना हो. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे नशाबा यंगस्टर्स खास तौर पे, क्योंकि बड़े तो कहते हैं ना वी आर थिक स्किन्ड, हम तो कहते हैं कि इट्स ओके वी कैन मैनेज द प्रेशर दैट कम्स विद सोशल मीडिया. हमारे यंग बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है अपनी ज़ात में मुतमईन होना, दैट वी डोंट नीड वैलिडेशन ऑन सोशल मीडिया, मगर ये सोशल मीडिया पे होना इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हमें समझना होगा. देखिए बच्चों के लिए यही है कि उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी काम दुनिया में जो ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, हम एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं जिसके लिए हम आंसरेबल हैं और अकाउंटेबिलिटी है. वो आप सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, वो सब तरफ देखें, अपने नॉर्म कल्चर और रिलीजन के दायरे में रहें. एबनॉर्मेलिटी डिफर करती है कल्चर टू कल्चर. हमने इस कर्वस इस नॉर्म्स में रहना है. आपने फैंटेसाइज और स्टैंडर्ड्स जितने हाई कर दिए हैं हर एक चीज़ को लेकर, उसके अंदर आप अपना रोल देखिए. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बार बार इकबाल खुद ही कहते रहे, मैज़लो ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, अपनी ज़ात को लेकर देखें. आपने खुद को एक्सप्लोर करें, आप अपनी डीड्स के लिए आंसरेबल हैं. हिस्ट्री को पढ़ें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और उससे एक रोल प्ले करने के लिए आएं, ना कि आप किसी रिबेलियस एटीट्यूड के साथ आएं. और वायलेंस एग्रेशन के लिए खुदारा आप सबसे पहले तो हम नमाज तो हमारे लिए बिल्कुल एक वो है, लेकिन खेल के मैदानों में ज़रूर जाएं. बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी वो ज़रूरी है. अपने करीब के जितना फिक्र आपको बाहर की है अपने वालिदैन को वक्त दें, ज़रूर दें. और ये जो आपने इतना ज़्यादा ग्लैमराइज्ड हमने कर दिया लेकर, हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छे, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छे हैं इनके लिए. और इदारे अगर हम अपने अपना रोल अपनी अपनी जगह के ऊपर सिर्फ अपना स्क्रिप्ट देखें और अपने स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू कर दें, ऐसे भी ना बाहर जाएं और मुल्क को बदलने की कोशिश करें, पहले घर को बदलें और खुद को बदलें. बी द चेंज टू सी द चेंज आई बिलीव. यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. मेरी टीम की कोशिश ये थी कि हम आगही फैलाएं. अब बहुत आसान अल्फाज में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे डूज एंड डोंट्स क्या हैं. आई नो सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों को ये लगता है कि मशहूर होना बहुत आसान है, मगर मशहूर होने के साथ साथ मकबूल होना भी सीखिए. और वो तभी मुमकिन होगा कि जब आपकी इंटेंशन साफ़ हों, आप दूसरों को देखा देखी कुछ बनने की कोशिश ना करें, आप जो हैं उसमें बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें. एंड पीपल विल लाइक यू, एंड इवन इफ़ दे डोंट लाइक यू इट्स ओके. इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.